आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रही आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। काटीपाना क्षेत्र के छपड़ा गांव में जमीनी विवाद में एक सिपाही की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हजरत इमाम हुसैन और शहीदे करबला की याद में सिया और सुनी समुदाय के लोगों ने जुलूस हुसैनी निकाला। और सकरा थाना क्षेत्र के भटंडी एनएच पर पलटी बस, एक दर्जन लोग हुए घायल। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, अब खबरें विस्तार से। काटी थाना क्षेत्र के छपड़ा गांव में जमीनी विवाद में एक सिपाही की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जिले में हत्या का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार की सुबह बिहार पुलिस के एक जवान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। हत्या के विरोध में स्थानीय लोग एनएच 27 को जाम कर बवाल काटने लगे। जाम की सूचना पर कांटी थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने मौके पर पहुंचकर लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया। घटना कांटी थाना क्षेत्र के छपड़ा गाँव की है। बताया जा रहा है कि मृतक 50 वर्षीय दीपेंद्र कुमार सिंह बिहार पुलिस पटना में कार्यरत थे। घटना के बारे में मृतक दीपेंद्र कुमार सिंह के बेटे ऋषभ राज ने बताया कि जमीन को लेकर पड़ोसियों के द्वारा काफी दिनों से विवाद चल रहा था। मामले को सुलझाने के लिए शुक्रवार को दीपेंद्र कुमार सिंह अपने घर कांटी थाना क्षेत्र के छपड़ा गांव पहुंचे थे। शनिवार की सुबह पड़ोसियों ने काफी संख्या में लाठी डंडे से लैस होकर उन पर हमला बोल दिया और उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी। वही पूरे मामले को लेकर डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि परिजनों का आरोप है कि पड़ोसी ने जमीन विवाद में दीपेंद्र कुमार सिंह की लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जो लोग भी दोषी होंगे उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तक की जानकारी में यही है कि यहाँ काटी में ये जद्दू छपरा जो जगह है वहाँ पे क्या मामला है सर, क्या सुनना? हाँ, अभी जानकारी आज सुबह मिली कि ये जो जद्दू छपरा करके गांव है जो आपके कांटी थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे एक आदमी जिनका नाम दीपेंद्र कुमार सिंह है उनकी जो डेड बॉडी है वो मिली, जो उनके घर के पास ही मिली। इसके बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई की तो पता चला कि उनके जो घर परिजन हैं उन्होंने बताया कि जो उनके पड़ोसी है उनके साथ कुछ पटेदार के साथ कुछ जमीनी विवाद वगैरह था, जिसको लेकर के कल भी लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसी को लेकर इनका कहना है कि आज सुबह जो है ये जो अपने घर के बाहर थे तो इनके ऊपर हमला किया गया, जिससे ये इनका मृत्यु हो गया। ये जो आदमी थे ये बिहार पुलिस के ही जवान हैं और इस केस में हम त्वरित कार्रवाई करते हुए बॉडी पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो लोग भी संलिप्त होंगे उनको पुलिस कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इनके द्वारा यही बताया गया, जिसमें हम लोग जाँच भी कर रहे हैं और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भी भेज रहे हैं। और ये बात है कि इनके पटीदार से इनका विवाद भी था, रहे थे यहाँ पे जैसे, मतलब कि उस सबका जान पहचान है, पुलिस प्रशासन विधायक मुखिया उखिया सब जो है से दबाव बनाकर थाना पर आने नहीं दे रहा था। उसके बाद जो है से पिताजी कल छुट्टी लेकर आए, पुलिस पिताजी का फ़ोन कर रहे थे, कांटी थाना बात नहीं सुन रही थी, कल छुट्टी लेकर आए हैं। और उसके बाद आज सुबह में जो है से वो बाथरूम में आने के बाद टहल रहे थे बाहर में, समझाने गए हैं वैसे हैं जो सब लोग लाठी डंडे सभी लोग प्रहार किया है, पुरुष सहित महिलाएं उसके घर के सभी लोगों ने हमला कर दिया है। हजरत इमाम हुसैन और शहीदे करबला की याद में शिया और सुनी समुदाय के लोगों ने शहर में जुलूस हुसैनी निकाला। हजरत इमाम हुसैन और शहीदे करबला की याद में शनिवार को जिले के सुनी समुदाय और शिया समुदाय के लोगों ने जुलूस हुसैनी निकाला। शिया समुदाय के लोगों ने हाथ में अलम लिए हुए कमरा मोहल्ला समेत विभिन्न स्थानों से जुलूस निकाला, जिसमें आजादारों ने या हुसैन के नारे बुलंद करते हुए मातम किया। आजादारों ने अपना सीना पीटते हुए जुलूस निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए कंपनी बाग स्थित करबला पहुंचा, जहां हजरत इमाम हुसैन और शहीद करबला को सलाम पेश की गई। इस दौरान काफी संख्या में लोग सड़क पर इकट्ठे रहे, जगह जगह शरबत के शाबिल लगाए गए थे। सिया समुदाय के लोगों ने हर तरह के मातम से लोगों को रुला दिया। आजादारों ने जंजीर ब्लेड रॉड से पीट कर मातम किया। वहीं सुनी समुदाय के लोगों ने गाजे बाजे के साथ ताजिया और अखाड़ा जुलूस निकाला। सुनी समुदाय के लोगों ने या हुसैन या अली के नारे बुलंद करते हुए जुलूस करबला ले गए। इस दौरान कंपनी बाग स्थित करबला में मेले का आयोजन किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए चौक चौराहों पर पुलिस बल की नियुक्ति की गई थी।
मेले वाले स्थान पर भी काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। इसके अलावा समय समय पर थाना की ओर से फ्लैग मार्च किया गया। हम इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों के बलिदान दिवस और यौम शहादत की याद मना रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सन 61 हिजरी में एक शासक जो यजीद नाम का था और जो खुद अधर्मी था लेकिन धर्म को अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और इमाम हुसैन जो रसूल के नवासे थे उनको मिलाना चाहता था और ताकि लोगों में ये दे सके कि वो जो भी करतूत करता है उस पर अगर हुसैन उनका साथ दे देंगे तो उनका धर्म का एक लेबल लग जाएगा। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसे अधर्मी शासक के खिलाफ क़याम किया और उन्होंने कहा कि मैं सत्य और मानवता के रास्ते को नहीं छोड़ सकता हूँ और किसी जालिम और अत्याचारी का साथ नहीं दे सकता हूँ। और आखिरकार 10 मुहर्रम को करमला नामी जगह पर 3 दिन की भूख और प्यास इमाम हुसैन और उनके 6 महीने तक के बच्चे ने बर्दाश्त किया और सबको यजीदी फ़ौज ने कत्ल कर दिया, लेकिन इमाम हुसैन नहीं झुके और क़यामत तक के लिए उन्होंने मानवता और सत्य का जो मार्ग पूरी इंसानियत के लिए खोला है वो आज भी खुला है। इसी रास्ते पर चल करके हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने भारत को आज़ाद कराया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं कोई नई चीज़ लेकर के नहीं आया हूँ, मैं वही लेकर के आया हूँ जो हुसैन इब्ने अली ने किया था। और इसी वजह से जब उन्होंने सत्याग्रह शुरू की थी तो 72 लोगों के साथ शुरू की थी ताकि वो इमाम हुसैन के मार्ग पर चल सकें, और उन्होंने इमाम हुसैन के मार्ग पर चल करके भारत को जालिम अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हमने भारत को हुसैन के मार्ग पर चल के आज़ाद कराया है, अगर इसको हम तरक्की देना चाहते हैं तो उसके लिए हुसैन के मार्ग पर चलना होगा। मैं आज आखिरी बात कहना चाहता हूँ तमाम देशवासियों से, हमारे देश के लोग जो हुसैन से प्रेम करते हैं और हुसैन भी हिंदुस्तान से प्रेम करते थे, क्योंकि उन्होंने आखिरी वक्त ये कहा था कि हम हिंदुस्तान जाना चाहते हैं, तो अगर इसका मतलब है कि हुसैन जानते थे कि हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में मैं हूँ तभी तो वो यहाँ आना चाहते थे। आज हम फिर कहना चाहते हैं, आज कुछ लोग मानवता के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, कुछ लोग भीड़ के साथ किसी भी इंसान को घेर करके मार देते हैं, किसी का घर जला देते हैं, औरतों को नंगा करके घुमाते हैं, किसी को भी घर में जला देते हैं, बूढ़ों को जला देते हैं, तो आज हुसैन के बलिदान दिवस पर हमें चाहिए कि हम अपने भारत से ऐसे जालिमों के खिलाफ भी आवाज़ उठाएं जो आज यजीद का रूप धारे हुए हैं और रावण का धूप धारे हुए हैं। जैसे कल का यजीद जो है वो इमाम हुसैन ने उसकी जो है मजम्मत की और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, ऐसे ही आज के यजीदों के भी खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। देवरिया थाने की पुलिस ने लूटकांड मामले में गिरफ्तार 3 आरोपी की तबीयत खराब होने से SKMCH में भर्ती कराया, जिसमें से एक की मौत हो गई। देर रात देवरिया थाने की पुलिस ने CSP लूटकांड मामले में 3 बदमाशों को हिरासत में लिया। तीनों को देवरिया थाना लाकर पूछताछ की जा रही थी। इसी क्रम में एक युवक की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद आनंद फानन में उसे SKMCH अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना के बाद मृतक के अन्य 2 बदमाशों के परिजन थाना के बाहर पहुंच गए। आक्रोशित परिजनों ने जमकर बवाल काटा, जिसके बाद SSP राकेश कुमार, CT SP अरविंद प्रताप सिंह व कई थाना की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई। आक्रोशित परिजनों का कहना था कि अन्य बदमाशों को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जाए, जिसके बाद SSP के आदेश पर अन्य 2 बदमाशों को भी इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मृतक की पहचान देवरिया थाना क्षेत्र के लखनौड़ी निवासी मोहम्मद मुर्तजा के 26 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार उर्फ शराफत अली के रूप में हुई थी। वही अन्य 2 घायलों की पहचान नौशाद और इम्तियाज के रूप में हुई है। पूरे मामले पर SSP राकेश कुमार ने बताया कि कल 3 बदमाशों को हिरासत में लिया गया था, आज एक की तबीयत बिगड़ गई, उसको इलाज के लिए SKMCH भेजा गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। अन्य 2 बदमाशों के परिजन भी 2 का इलाज करवाने के लिए बोल रहे थे, इसके बाद उन्हें भी भर्ती करवाया गया है। इस मामले में थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये जानकारी आज जिले के वरीय अधिकारियों को दोपहर बाद तक मिली है कि देवरिया थाना में इस प्रकार की घटना हुई है, जहां एक व्यक्ति के देहांत होने की सूचना आ रही है। क्या मामला था, किन मामले में पूछताछ के लिए इन व्यक्तियों को लाया गया था और क्या ये घटना हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इन सभी पर जांच की जा रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो है, जो लोग इस थाने में उस समय जिम्मेदार पदाधिकारी थे, उन लोगों की जिम्मेदारी तय करते हुए
हम लोग उनको यहाँ से हटा रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक आदेश जारी किया जा रहा है और उन लोगों को लाइन क्लोज किया जा रहा है, लेकिन पूरे मामले की जाँच और जाँच के बाद जो कार्रवाई है उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि ये घटना किस रूप में और कैसे हुई है। और कोई प्रश्न हो तो बताइए आपको। अभी तो हम लोग यहाँ पर थानाध्यक्ष के लिए ऐसा विचार कर रहे हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में हमें लगता है कि और भी लोगों पर कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी स्पष्ट रूप से कल शाम तक आप लोगों को पता चल जाएगा। जो पब्लिक का जो उधर से बयान आ रहा है कि पुलिस निकाय से मौत, देखिए अभी स्पष्ट रूप से ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके लिए तो जाँच पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चीज़ होगी। और ये बात सही है कि जब हम लोग अब यहाँ पर आए थे तो कुछ तो जनता का विरोध था, लेकिन जनता के बहुत सारे लोगों ने समर्थन भी दिया, तभी आप देख रहे हैं कि 2-3 घंटे में स्थिति सामान्य हो गई। और कई तरह के र्यूमर रहते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं जिसको लेकर जिसका भी पुलिस को सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग भी आए उन लोगों ने उस परिस्थिति का सामना किया और यहाँ के स्थानीय लोगों का भी हम लोगों को सहयोग मिला है, इसीलिए 2-3 घंटे में हम लोग चीज़ों को बहुत शांतपूर्ण ढंग से अभी वो कर पाए। परिवार से भी हमारे संपर्क में, वो लोग भी मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, आगे की जाँच के लिए वो लोग तैयार हो गए हैं और जैसा भी वो लोग आवेदन देंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अय्यापुर थाना क्षेत्र के सहवाजपुर गांव में अपराधियों ने सरेआम किराना व्यवसायी को गोली मारी, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। बीते 8 दिनों में अलग अलग घटनाओं में अपराधियों ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्या उसके 2 अंगरक्षक के साथ निर्मम तरीके से कर दी जाती है। उसके बाद बेखौफ अपराधी सदर थाना क्षेत्र के आकाश पासवान को गोली मार देते हैं, जिसके इलाज के दौरान मौत हो जाती है। उसके बाद बीती रात अय्यापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर इलाके में एक किराना दुकानदार के दुकान पर चढ़कर अपराधियों ने बैक टू बैक किराना दुकानदार को 5 गोली मारी। 3 गोली उसके पीठ में लगी और 2 गोली उसके हाथों में लगी। आनंद फानंद में उसे बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उसने इलाज के क्रम में दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान सहबाजपुर इलाके के भोलानाथ ठाकुर के 25 वर्षीय बेटे राहुल कुमार के रूप में हुई है। इस पूरे मामले पर सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया है कि अपराधियों द्वारा राहुल को 5 गोली मारने की बात सामने आई है। अय्यापुर थाने की टीम अपराधियों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अभी तो ये है कि इनका नाम जो है, इनकी स्थिति भी काफी गंभीर है। राहुल राजा नाम है और जो वारदात का ढंग है और जितनी हम लोगों को प्रथम दृष्टया सूचना मिल रही है, ऐसा लग रहा है कोई व्यक्तिगत विवाद था इनका पूर्व में किसी से, और उस व्यक्तिगत विवाद के क्रम में ही ये घटना कारित की गई है। परिवार अभी यहाँ पर है, जिस प्रकार का या जिन लोगों के खिलाफ भी आवेदन देगा उसके अनुसार हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर आगे कार्यवाही करेंगे। लेकिन अभी तक की हम लोगों की जाँच के अनुसार ये बात हम लोगों को लग रही है वो यही है कि पारिवारिक या व्यक्तिगत विवाद था इनका, जिसके क्रम में ये घटना कारित। सर कुल कितनी गोली मारी गई है? 5 सूचना है, मतलब हमको डॉक्टर से बात हुई है, 5 गोलियाँ। ये व्यक्तिगत विवाद इनका भी है, इनके भाई का भी एक आपराधिक इतिहास है, जो अभी तक हम लोग को जानकारी मिल रही है। संभवतः उसी क्रम में इस विवाद के चलते ही घटना को कारित करने का जो ढंग है अब लोग भी व्यक्तिगत विवाद की तरफ ही इशारा। जो प्रथम दृष्टया जो सामने आया है उसमें लग रहा है कि पारिवारिक विवाद तो नहीं है, व्यक्तिगत विवाद है, क्योंकि इनके भाई का भी लंबा आपराधिक इतिहास है, वो भी जेल में ही है। संभवतः ऐसे ही किसी घटना का बदला लेने के लिए या ऐसे ही किसी पुरानी रंजिश के क्रम में घटना कारित है। दुकान पे मेरा भाई था तो मेरा दोस्त कॉल किया, बोला कहती कि जय तुम्हारे भाई को कोई गोली मार दिया है, 5 गोली कोई मारा, सवाजपुर में दुकान है। हम तो घर पे थे, हमको मालूम नहीं था, वही मेरा दोस्त कॉल किया तो बोला। किराना व्यवसायी है, उससे किसी से दुश्मनी नहीं? कोई दुश्मनी नहीं है, शरीफ लड़का है। कुछ नहीं। अरे बोले ना, वो दुकान चलाते सवेरे 6 बजे दुकान खुलता है तो रात के 9 बजे वो घर पे जाता है। कभी भी नहीं, किराना का दुकान है सवाजपुर में, हाँ सवाजपुर सामुदायिक भवन के पास दुकान है, आज से नहीं 10 साल से वो दुकान कर रहा है। कोई दुश्मनी नहीं, आज तक कोई कुछ उसको बोला ही नहीं। का एक दुकान में लूट वगैरह हुई है? कुछ नहीं। वो बोल रहा है क्या कि जे कोई गाड़ी से था, मुंह बांधे हुए था, अब हाँ बाइक से था और दो था शायद, तो गाड़ी से आया और मुंह बांधा हुआ था और फायर करके 5 गोली मारा है और वो मार के चला गया हुआ।
यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है, ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्चूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स, बिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH77 मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है, और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप UA एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहाँ आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है, और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स दीवान पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है, और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। UA एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहाँ आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे, और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है, और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सकरा थाना क्षेत्र के भटंडी में एक सवारी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक दर्जन यात्री घायल हो गए और एक मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई। जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक सवारी बस मुजफ्फरपुर से बेगूसराय जाने के क्रम में सकरा थाना क्षेत्र के भटंडी में पलट गई। बस एक भैंस पर पलटी है, जिससे भैंस की मौत हो गई। वहीं घटना में 12 सवारी भी घायल हो गए हैं। सबको आनन फानन में पास के अस्पताल में भेजा गया है, हालांकि सबकी स्थिति ठीक है। घटना के बाद मौके पर स्थानीय थाना क्षेत्र सकरा थाने की पुलिस पहुंची है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बस मुजफ्फरपुर से बेगूसराय जा रही थी, इस दौरान भटंडी में अनियंत्रित होकर NH28 से नीचे उतर गई और पलट गई। बस पलटने से इलाके में हड़कंप मच गया, मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं इस घटना में पास में बंधी एक भैंस की मौत हो गई है। सूचना मिली है, सब यात्री सुरक्षित है, 20 से 25 आदमी इसमें सवार थे, सभी सुरक्षित है। हल्का फुल्का एक आदमी के पैर हाथ में चोट घट लगा था, कोई दिक्कत, कोई सीरियस नहीं है। बताया जा रहा है एक मवेशी की जान चली गई। हाँ, एक मवेशी दबी हुई है। रोटरी क्लब ऑफ तिरहुत द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने गांधी पुस्तकालय परिसर में फलदार पौधे लगाए। रोटरी क्लब ऑफ तिरहुत के द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत सिकंदरपुर स्थित गांधी स्मृति पुस्तकालय में जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा फलदार पौधे लगाकर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि रोटरी क्लब ऑफ तिरहुत के द्वारा शुरू किया गया यह अभियान बेहद
प्रशंसनीय है, जिसकी शुरुआत उनके द्वारा आज की गई है। पौधे न सिर्फ धरती को हरियाली देते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बेहद जरूरी है। उत्तर बिहार में मॉनसून के कमजोर होने के कारण कहीं न कहीं वन क्षेत्र में कमी है, जिससे वृक्षारोपण अभियान के तहत वन क्षेत्र को बढ़ावा भी देना शामिल है। सिकंदरपुर स्थित गांधी स्मृति पुस्तकालय के प्रांगण में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया और काफी प्राचीन और महत्वपूर्ण इतिहास रहा है और गांधी जी की यादें शहर से जिले से भी जुड़ी हुई हैं। गांधी जी यहाँ पर आए भी थे और आज हम लोगों ने वृक्षारोपण यहाँ किया है और आप सभी हम सभी जानते हैं कि वृक्षारोपण का कितना महत्व है, एक एक वृक्ष लगाना कितना आवश्यक है जो हमारे पर्यावरण के लिए, खासकर इस भौतिकतावादी संस्कृति में जब लोग पेड़ काटने के तरफ अग्रसर हैं तो हम लोगों को पेड़ लगाने के बारे में सोचना चाहिए और इसी को लेकर के आज यहाँ भी पेड़ लगाए गए हैं, वृक्ष लगाए गए हैं और इसका पूरा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जिले में भी विभिन्न स्थानों पर पेड़ लगातार लगाए जा रहे हैं। तो काफ़ी एक स्वागत योग्य कदम है और गांधी स्मृति जो पुस्तकालय है इसका भी काफी डेवलपमेंट होगा। विश्व जीवन रक्षक घोल दिवस पर अरुण शाह फाउंडेशन द्वारा लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व जीवन रक्षक घोल दिवस के अवसर पर अरुण शाह फाउंडेशन ने एक जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की माँ को इसके बारे में जागरूक किया गया। मौके पर डॉक्टर अरुण शाह ने बताया कि हम लोग हर वर्ष 29 जुलाई को विश्व जीवन रक्षक घोल दिवस मनाते हैं। इसके तहत लोगों में जागरूकता फैलाते हुए यह बताया जाता है कि ORS का कितना महत्व है। ORS का मतलब जीवन रक्षक घोल है। भारत में प्रतिवर्ष डायरिया कैद दस्त बीमारी से 5 वर्ष से कम आयु के 1.5 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है। वहीं विश्व में मरने वाले बच्चों की संख्या 5 लाख से ऊपर है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी भी 50% लोग डायरिया में ORS का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि डायरिया का मुख्य इलाज ORS और जिंक है। ORS का इस्तेमाल करने से डिहाइड्रेशन पर कंट्रोल होता है। 29 जुलाई है जो प्रति वर्ष 29 जुलाई को विश्व जीवन रक्षक घोल मनाया जाता है। खास करके ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, जागरूकता अभियान है, जिसके तहत मतलब कि सभी लोग को बताया जाता है कि ORS का कितना महत्व है। ORS मतलब जीवन रक्षक घोल, यानी कहने के लिए तो वो कहेंगे हम लोग कि रामबाण औषधि है। तो ये दिया जाता है, खास करके अभी भी भारतवर्ष में डायरिया से यानी कैद दस्त की बीमारी से 1.5 लाख बच्चे प्रतिवर्ष मरते हैं 5 साल के नीचे और 5 लाख से ज़्यादा पूरे विश्व में मरते हैं। और ये दुर्भाग्य वाली बात है कि अभी भी कैद दस्त में 50% से ज़्यादा लोग मतलब कि ORS यूज़ नहीं करते हैं। तो ये इस बात को बताने के लिए कि कैद दस्त की बीमारी का मेन इलाज जो है ORS और जिंक है। तो ORS और जिंक अगर हम लोग शुरू करेंगे तो उससे डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण पर कंट्रोल होगा और कोई भी बच्चा जो है मृत्यु का शिकार नहीं होगा। इसी बात को सेंसिटाइज करने के लिए कि ORS का कितना इंपॉर्टेंस है, दवा का नहीं कोई इंपॉर्टेंस है कि आप एंटी डायरियल एंटीबायोटिक दे रहे हैं, बल्कि कैदस होते ही आपने ORS जो WHO जो प्री क्वालिफाइड है, इंडोर्समेंट किया हुआ है लो स्मॉलर ORS जो कि भारत सरकार द्वारा निःशुल्क मतलब कि हर सेंटर पर दिया जा रहा है, कमर्शियल भी ये अवेलेबल है, उसको शुरू करना है। तो उसी विषय पर आज हम एक चर्चा भी करने जा रहे हैं, संबोधन करने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि ORS की बच्चों में कितनी ज़रूरत है, क्योंकि आज भी भारतवर्ष में सेकेंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स डायरिया है निमोनिया के बाद। इसलिए ORS के महत्व को समझाना है पब्लिक में कि वो खुद चाहे ना तो एक माँ अपने बच्चे को कैद दस्त में बिना मतलब का बेमतलब का मतलब की जो परेशान होती है वो उनको हम बताएंगे कि हम कैसे तुम अपने बच्चे का इलाज कैद दस्त में खुद से कर सकती हो। आशुतोष शाही हत्याकांड पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव एक बार फिर जमकर बरसे। सबसे ज्यादा अगले मेयर को भी मारा, फिर आशुतोष को मारा, तो हम खोपड़े साहब से जानना चाहेंगे क्या दिनेश सिंह पर कार्रवाई होगी। ये मंटू शर्मा जी को सैया बना करके जो ये फूल दे रहे हैं, ये किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है? तो मंटू शर्मा को कौन पकड़ लेगा? इसका इनकाउंटर होगा जिसने आशुतोष शाही को मारा। जब आधा आधा जमीन दिनेश सिंह का है तो फिर जब हत्या हो रही है उस जमीन के चलते तो दिनेश सिंह पर इंक्वायरी क्यों नहीं? मैं जानना चाहता हूं मुजफ्फरपुर के MP से, ये वीडियो जो वायरल है आपका MP साहब, आप जो ये मंटू शर्मा के साथ आपका फोटो है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको बगल में MLC साहब फुर्सत नहीं होता है?
और ये फोटो क्या है? ये मुख्यमंत्री से लेके सबका जो फोटो है, ये क्या है फोटो? ये मंटू शर्मा का फोटो दिनेश सिंह एमएलसी के साथ सामने दिखाइएगा तो। ये जो सबसे ज्यादा मारा है, सब लोग दिखा दीजिए, सबसे ज्यादा अगले मेयर को भी मारा, फिर आशुतोष को मारा, तो हम खोपड़े साहब से जानना चाहेंगे क्या दिनेश सिंह पर कार्रवाई होगी? ये मंटू शर्मा जी को जो ये सैया बना करके जो ये फूल दे रहे हैं, ये किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है? बराबर है, ये किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है? हाँ, इसको फूल देने की फुर्सत है? वहां के एमपी एमएलए को अभी तक ईसा सिंह के यहां जाने के लिए क्यों फुर्सत नहीं? क्या सरकार इसकी जांच, अब कौन जांच करेगा इसकी? आप देखिए, इसकी जांच कौन करेगा? प्रधानमंत्री के साथ दिनेश सिंह? देखिए, ये दिनेश सिंह, नीतीश बाबू के साथ दिनेश सिंह, ये प्रधानमंत्री के साथ दिनेश सिंह, ये देखिए, ये दिनेश सिंह, ये देखिए, माफिया को कौन बचा लेगा? जब प्रधानमंत्री के साथ दिनेश सिंह का फोटो होगा तो ये मंटू शर्मा के साथ, तो मंटू शर्मा को कौन पकड़ लेगा? मंटू शर्मा को कोई पकड़ पाया? शूटर को बाहर से बेल मिल गया था पूर्व मेयर में, इस शूटर से डरते क्यों एमपीएमएल है? हिम्मत तो दिन तिथि तय करे, चोरी करके गोली आम आदमी को, ऐसे शूटर को जेल भेजिएगा इसका इनकाउंटर होगा, जिसने आशुतोष शाही को मारा, जिसने ना जाने कितने लोगों की मौत हत्या की है, एक नहीं, एक घटना नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कितने घटना है भाई इसके, आप हमको जरा बताइए। हमको समझ में नहीं आता है एक मर्डर तो इसने किया नहीं है, वहां लगभग कितने मौत इन्होंने कर दिया है? बरुना बलात्कार केस सीबीआई आज तक सुलझा नहीं पाई मुजफ्फरपुर का, कौन कौन लोग बलात्कार में, ये पता नहीं है? एक आईजी बात में वो डीजी क्या जमीन में उसका कितना इन्फॉर्मेशन था, जो आज बाबा बन बैठे हैं, वो बाबा का प्रवचन दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में रह के उन्होंने क्या क्या गुल नहीं खिलाया, कितने कमाए, किन किन लोगों से इनकी साझेदारी नहीं थी, हम सब पर इंक्वायरी चाहते हैं। पूर्व के वहां के डीजी डीआईजी पर भी, पूर्व के जिला परिषद उपाध्यक्ष अध्यक्ष पर भी, ये तीन चार सहारा की जमीन से लेकर के तीन चार जमीन ऐसी है जो 100 करोड़ 200 300 करोड़ से ज्यादा की, और उस सारे जमीन में दिनेश सिंह जी का पैसा लगा हुआ है, दिनेश सिंह जी के नाम से है। जब आधा आधा जमीन दिनेश सिंह का है तो फिर जब हत्या हो रही है उस जमीन के चलते तो दिनेश सिंह पर इंक्वायरी क्यों नहीं? अब ये किसको मरवाएंगे? तो जब मंटू शर्मा जैसे लोग एमएलसी और फिर एमएलसी साहब पीएम के साथ रहेंगे तो मंटू शर्मा को अपराधी कौन कहेगा? एक भी मुजफ्फरपुर का एमएलए एमपी अभी तक ईसा सिंह के न्याय के लिए क्यों खड़ा नहीं हुआ? एक भी मंत्री संतरी एमपी एमएलए अभी तक बेगूसराय के में जो नंगा करके पीटा गया और जो बेटी आज तक वहां जाने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? हर चीज में राजनीति। इसलिए सरकार से मेरा मांग है कि बारसोई घटना की न्यायिक जांच, 50 लाख रुपया, एसपीडी ट्रायल, जो दोषी है इंक्वायरी करके उसका सस्पेंशन डिस्चार्ज, और निर्दोष लोगों पर जो केस किया गया उसको हटाया जाए, अन्यथा हम कटिहार बारसोई भंग करेंगे, सभा करेंगे। मेरे लिए जनता पहले है, मेरे लिए देश पहले नहीं, मेरे लिए बेटी पहले है,
मेरे लिए देश पहले नहीं है। बेटी की हिफाजत के लिए एक चतुर्भुज को कौन पूछे, लाखों चतुर्भुज को पप्पू यादव मिटा देगा, लेकिन ऐसे चतुर्भुज को नहीं रहने देगा। बेटी के हिफाजत के लिए, मिट्टू के हिफाजत के लिए एक अपराधी के घर को कौन पूछे, सरकार यदि उस अपराधी के घर जो मानव तस्कर का अड्डा बना हुआ नहीं करती है तो पप्पू यादव उस घर को जनता के बदौलत मिटा देगा। ये मेरा आपको आग्रह है, धन्यवाद। जी आपने जिस तरीके से कहा, सर के मणिपुर के सीएम को जिस तरीके से आपने कहा कि जहर का रहना चाहिए वहाँ अपराध हो रहा है, तो बिहार में जिस तरीके से महिलाओं पर अपराध हो रहा है, सर 10,000 लोगों के सामने सामूहिक बलात्कार। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।